हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नूब्स में। जैसा कि मैंने कहा था, हमारी अगली वीडियो गॉड ऑफ रिक्रूटमेंट में होगी। सो मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे स्कोर करें और झाओयुन को कैसे प्राप्त करें। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएँ। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस रिक्रूटमेंट कार्ड आप एक मंथ में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये सर प्राइस इन एकुमुलेशन है, एकुमुलेशन कंसप्शन। ये मंथ में मैक्सिमम, किसी मंथ में दो, किसी मंथ में तीन आता है, इस बार तीन आया है। डैट मीन्स 30 × 3 टोटल आप 90 ले सकते हैं। देखा जाए तो इस मंथ में दो ही आया है, पर आधा मिड उस मंथ से इस मंथ में घुसा था। तो सो 30 × 3 90 हुआ, और यहाँ से आपको मैक्सिमम अगर नन स्पेंडर है तो 30 मिलेगा। सो 90 + 30 = 120 हुआ। एंड आपका वीक में, वीक में एक बार आपका फेस्टिवल कार्निवल आ जाता है। सो एक मंथ में मिनिमम 4 वीक्स होते हैं। सो 4 वीक्स में आप 20 के हिसाब से भी माने तो 20 × 80 कार्ड्स आपके हुए, तो 200 कार्ड्स तो आपको मिल गए कॉमन, एडवांस वाले 200 कार्ड्स मिले। अब देखते हैं हम लोग को कॉमन कितना मिल सकता है। सो यहाँ आप लोग देख लीजिए, एक दिन में 7 कॉमन देता है कॉक, तो 30 दिन में 210 कॉमन। अगर आप लेवल 8 के कैंप साइट को हिट करते हैं तो पर डे आपको 10 मिलता है। सो 300 फ्रॉम उधर से भी मिल जाएगा। सो 510 टोटल इधर से हो गया और 10 चांस टोटल फ्री। सो 300 इधर से हो गया, मीन्स टोटल 800 कुछ आपके एक दिन में उधर से आ गए एक मंथ में। टोटल आप इधर से 8.1k पॉइंट्स आप इधर से बना लिए और 20k इधर से। सो आप एक मंथ में एटलीस्ट 28k पॉइंट मैक्स मिनिमम जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है आपका कॉमरेड रिक्रूटमेंट इवेंट। वहां से भी आप चाहें तो अगर एडवांस रिक्रूटमेंट कार्ड आप खरीदते हैं तो एटलीस्ट आई थिंक 10 तो खरीद ही लेंगे, तो 1k उधर से हो गया। एटलीस्ट आप 30k एक मंथ में बना सकते हैं। सो 30k में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा मैं दिखा दूँ, मैं दो मंथ से इंतजार कर रहा हूँ, 36k है तभी भी मेरा रैंक 5248 है और मैं दो मंथ से ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आप इस मंथ तो ख़त्म ही हो गया, अगर सेव किए हैं तो सेव करके रखिए, नेक्स्ट मंथ आने पर उसे रिलीज करिए। उसे अभी मत रिलीज करिए, जब कोई नया हीरो आए या फिर किसी हीरो का हीरो कॉन्फेन ऑर्डर आए जो आपके पास नहीं है, तो उस समय आप उसको रिलीज करिए। जैसा कि मेरे पास तो ये हीरो था, सो मैंने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं है। झाओयुन भी है तो भी मैं सब रख रहा हूँ। मैंने उन मतलब जो मैंने 200-300 कार्ड जो यूज़ 200 कार्ड यूज़ किए थे वो मैंने वार हैमर के लिए किया था, वो मेरे पास नहीं था। सो आपको यही करना है, आपको कार्ड सिंगारना है, जमा करना है कार्ड, और एक दिन का इंतजार करना है सही समय का, उस दिन आपको सारे कार्ड को रिलीज करना है। सारे कार्ड्स को तो मत ही करिए, मैं बोलूँगा मैक्सिमम आप एक दिन में 50 से 100 कार्ड रिलीज करिए और सही टाइम का इंतजार करिए। इवेंट अब ख़त्म कब होता है, 30 को। इवेंट 30 को ख़त्म होगा। 30 के आप मॉर्निंग 5:30 बजे हम लोग का दिन रीसेट होता है। आप 5:25 से पहले 5:20 कोशिश करिए 5 बजे तक ही आप अपने सारे कार्ड यूज़ कर दीजिए। मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी यहाँ से 4-5 के पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ से उधर से 30 कार्ड अभी मेरे को मिलना ही है। यहाँ से 10 के, यहाँ से कितना मिलेगा, 100 × 100 10 के, नो मीन्स टोटल 15 के मेरे को पॉइंट अभी मिल रहा है। लेकिन मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जब भी यूज़ करूँ तो मेरा रैंक 2000 के अंदर आए, 2000 से बाहर नहीं जाए। तो अभी 2000 का पॉइंट कितना है ये देख लेते हैं हम लोग। अभी मैं नियरली 20 के पॉइंट तो बना ही सकता हूँ, एटलीस्ट मैं 54 के पॉइंट्स तक पहुँच जाऊँगा, पर क्या ये सफिशियंट है। 48 पे लोग रुके हुए हैं, मैं बना तो सकता हूँ पर मे बी ये बढ़ जाए। अभी भी हमारे पास 5 दिन का वक्त है। उसी समय यूज़ करिए जैसे आप गोल्डन चेस्ट में करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और दोस्तों को भी फैला दें ये बात जो मैंने अभी आपको कही है। मैंने लास्ट मंथ एक भी कार्ड नहीं यूज़ किया था जैसा मैंने आपको बोला। गाइस धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।